हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर चेता। आज आपका मेरे पेनिशोलिस्ट कॉम्पिटेंस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक है। आज मैं आपको इंडाइजेशन की वजह से जो गैसेस का प्रॉब्लम होता है, आज मैं उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं टॉपिक के बारे में। अगर किसी दिन पेट में गैस बन जाए तो उसके वजह से खाना पीना, काम करना मुश्किल हो जाता है। कुछ पेशेंट में गैसेस की इतनी प्रॉब्लम होती है, इतनी तकलीफ होती है कि उनको गैसेस के वजह से सांस सांस लेने में भी तकलीफ होती है। अभी हम ये जानते हैं कि गैसेस होने के कारण क्या है। फर्स्ट है मेडिसिन, जैसे कि आप प्रोलॉन्ग बीपी के टेबलेट्स यूज कर रहे हो, पेन किलर्स ले रहे हो, आदि मेडिसिन आप ले रहे हो, उसकी वजह से भी गैसेस हो सकता है। सेकंड है शराब या फिर चाय कॉफी का ज्यादा सेवन करने की वजह से। पेट में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक इन्फेक्शन के होने की वजह से। नेक्स्ट है पर्निशियस एनीमिया, ब्लड डिसऑर्डर है, इनके वजह से भी गैसेस की प्रॉब्लम हो सकते हैं। नेक्स्ट है पेट में ज्यादा बाइल एसिड जमा होने पर गैस फॉर्म होने वाले जो खाना है, भोजन है, वो खाना खाने से गैसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होने की वजह से, दूध या दूध के प्रोडक्ट डाइजेस्ट न कर पाने की वजह से, स्ट्रेस लेने की वजह से भी गैसेस हो सकते हैं। और लास्ट है आंतों पर सूजन या जलन होने से और डायबिटीज होने से भी गैसेस हो सकते हैं। बात करते हैं लक्षण यानी सिम्टम्स के बारे में। फर्स्ट है पेट में जलन होना, दर्द होना, सूजन आना, साथ ही साथ जी मचलना, जी मचलने की वजह से वोमिटिंग भी होना और इस पेशेंट को भूख भी नहीं लगती है। साथ ही साथ लगातार हिचकी आना, काला या लाल मल आना। अगर आपके वोमिटिंग से ब्लीडिंग हो रही है या फिर आपके मल से ब्लीडिंग हो रही है, साथ ही साथ आपके पेट में भी दर्द हो रहा है, इस सिम्टम्स को आप अवॉइड ना करें, डायरेक्ट आप डॉक्टर के पास जाए। और इस पेशेंट में गैसेस ज्यादा हो गए हैं तो ये पेशेंट बेचैन फील करता है, नींद नहीं आती और साथ ही साथ घबराहट भी फील करता है। अभी हम बात करते हैं प्रिकॉशंस के बारे में। फर्स्ट है आप जो भी लिक्विड ले रहे हो उसमें स्ट्रॉ का यूज ना करें, डायरेक्ट ग्लास का यूज करें। सेकंड है फैटी फूड और मसालेदार जो खाना है उसको अवॉइड करें। तनाव से दूर रहने की कोशिश करें। शराब और चाय और टी का लेने का प्रमाण कम रखें। अभी हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। गैसेस के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन टॉप मोस्ट मेडिसिन है। उनमें फर्स्ट मेडिसिन है कार्बोवेज। कार्बोवेज के पेशेंट में जो गैसेस फॉर्म होते हैं वो स्पेशल पेट के ऊपर के हिस्से में ज्यादा होते हैं, जैसे कि एपिगैस्ट्रिक रीजन में ज्यादा होते हैं। और ये पेशेंट सिंपल खाना भी अवॉइड करता है क्योंकि इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वीक होती है। इस पेशेंट के जो कंप्लेंट्स है वो लेटे रहने से और खाना खाने के बाद और पीने के बाद ज्यादा हो जाते हैं। इसी पेशेंट में डकार आने से और गैसेस पास होने से कंप्लेंट्स कम हो जाते हैं। और लास्ट सिम्टम है जो दूध पिलाने वाले स्त्री रहते हैं उनमें जब गैसेस के प्रॉब्लम होते हैं तभी मेडिसिन हम दे सकते हैं। सेकंड मेडिसिन है लाइकोपोडियम। ये मेडिसिन हम स्पेशली बुजुर्ग लोग जो है उनको दी जाती है। इस पेशेंट की जो भूख है उनको भूख बहुत ज्यादा लगती है। वो भूख ज्यादा लगने की वजह से उनको बहुत खाने की इच्छा होती है, लेकिन जब वो खाना खाने जाता है तब वो कम खाना खाना पाता है और उसके वजह क्योंकि उसके पेट के निचले हिस्से में जो है वो बहुत गैसेस फॉर्म हो जाते हैं। और उस पेशेंट को गैसेस की वजह से ऐसे लगता है कि पेट में जो गैसेस है वो गोल 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 ऐसे घूम रहे हो। और इस पेशेंट में पेट में दर्द भी होता है और वो जो दर्द है स्पेशली राइट साइड से लेफ्ट साइड तक जाता है। उसके जो कंप्लेंट्स है वो स्पेशली राइट साइड में ज्यादा होते हैं। और इस पेशेंट के मुंह में कड़वाहट भी रहती है। इसके जो कंप्लेंट्स है वो इवनिंग में 4 से 8 के टाइम के बीच में ज्यादा हो जाते हैं और वॉकिंग करने से कम लगते हैं। थर्ड मेडिसिन है चाइना ऑफिशियलिस। ये मेडिसिन हम स्पेशली जिनको टी के वजह से गैसेस फॉर्म हो रहे उनको ये मेडिसिन दी जाती है। इस पेशेंट की डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वीक रहती है, स्लो रहती है, उसकी वजह से पेशेंट को भूख भी नहीं लगती है। इस पेशेंट को खाना खाने के बाद पेट में ऐसे हेवी हेवी जैसे लगता है, पेट पर कुछ हेवी हेवी रखा हो ऐसे फील होता है और वो ज्यादा खाना खा नहीं पाता है और उसकी वजह से उसको वॉमिटिंग हो जाती है। इसके वजह से गैसेस फॉर्म होते हैं और गैसेस फॉर्म होने की वजह से उसको पेट में फुला फुला हुआ लगता है। ये पेशेंट जितना भी खाना खाता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है और उसी की वजह से पेट के राइट साइड में ज्यादा दर्द होता है और साथ ही साथ वो इस पेशेंट को पेशेंट में ब्लड के भी वॉमिटिंग हो जाती है। इसके जो कंप्लेंट्स है वो फ्रूट्स खाने से पेट को थोड़ा तो भी टच करने से कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं। और इसके जो कंप्लेंट्स है वो मूवमेंट करने से,
हाँ, या फिर थोड़ा सामने बेंड करने से कंप्लेंट कम हो जाते हैं। और तो और लास्ट मेडिसिन नैट्रम कार्ब, ये पेशेंट इतना सेंसिटिव रहता है, इसके खाने में थोड़ा तो भी कम ज्यादा हो गया तो डाइजेस्टिव सिस्टम वीक रहने की वजह से एसिडिटी और इनडाइजेशन हो जाता है तो इसका, और खाना खाने के बाद इसको ऐसे लगता है खाना जो ऊपर आए जैसे लगता है। इस पेशेंट को भूख जो है स्पेशली सुबह 5 बजे लगती है। इस पेशेंट में बहुत दिनों से एसिडिटी रहने की वजह से पेट जो है फुला फुला रहता है, और उसी की वजह से उसके मुंह में कड़वाहट भी रहती है, और इस पेशेंट को मिल्क जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसके जो कंप्लेंट्स है वो समर में हीट में और फैटी फूड लेने से ज़्यादा हो जाते हैं। इसके जो इंडाइजेशन में जो इम्प्रूवमेंट है वो सोडा बिस्किट लेने से कम हो जाते हैं। अभी जो मैंने आपको मेडिसिन एक्सप्लेन की है उनको सिम्टम्स के हिसाब से जो भी मेडिसिन आएगी उनको दिन में 2 बार 36 पोटेंसी में डायरेक्ट टंग पे 2 बूंद लेना है। अगर आपके कंप्लेंट ज्यादा है तो दिन में 3 बार भी आप रिपीट कर सकते हो। गैसेस के प्रॉब्लम को अच्छा करने के लिए और एक बायोकेमिक कॉम्बिनेशन है 25 नंबर, वो आप ले सकते हो। दिन में 2 बार 4 टैबलेट्स लेना है। छोटे बच्चों में दिन में 2 बार दो दो टैबलेट्स लेना है। अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।